नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन के प्रपत से ACF की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए है। अगर आपने ACF का एग्जाम फॉर्म भरा है और फॉर्म भरते समय आपकी कोई त्रुटि रह गई हो, आप फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं, उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं, तो इसके लिए RPSC ने आज ही एक प्रेस नोट जारी किया है। देखिए क्या कहा है इस बोर्ड ने इस प्रेस नोट में। यहाँ पर आप आइए, 19 जनवरी यानी कि आज ही का ये प्रेस नोट है और आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी निश्चित है, आप सभी को पता है। और कुछ मित्र ये भी कह रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है या नहीं, तो इसमें आज क्लियरली बोर्ड ने कह दिया है कि आपकी जो परीक्षा है वो संभागीय जिला मुख्यालयों पर 18 फरवरी से 20 फरवरी तक और 22 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा। यानी कि जिन मित्रों का ये संशय था कि फॉरेस्ट रेंजर की भर्ती निश्चित तय समय पर होगी या नहीं होगी, तो वो भी आपका डाउट क्लियर हो गया है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आपके इस फॉर्म में आप संशोधन करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, तो इसमें आप संशोधन नाम में नहीं कर पाएंगे, बाकी में अगर आप जो प्राथमिकता क्रम है या विषय है या फिर अन्य संशोधन करना चाहे नाम को छोड़कर, तो आप 21 जनवरी से 27 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन रूप से आप संशोधन कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अवसर दिया है इन्होंने। और संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी ई मित्र पर या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ₹300 आपको पे आउट करने होंगे। और आप ये संशोधन कैसे कर पाएंगे कि आपको SSO ID पर जाना है, SSO ID आपको लॉगिन करना है। उसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो आपका G2G है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और एक है गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो आप गवर्नमेंट टू सिटीजन में जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल का आप चयन करेंगे, तो उसी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपका ऑप्शन आएगा कि आपने कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं। और वैसे ही आप इस पर फॉरेस्ट रेंजर वाले आपके एप्लीकेशन पर इस पर क्लिक करेंगे, तो आपको एडिट का भी वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा और आप पूरा का पूरा फॉर्म में आपके नाम के बजाय सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप उसमें एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद में आपको ₹300 का भुगतान करना होगा, तभी आपका ये एडिट है ये एप्लीकेबल हो पाएगा, ठीक है। तो ये मित्रों महत्वपूर्ण संशोधन है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी मित्र ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किसी ई मित्र के जरिए करवाया हो या फिर किसी भी प्रकार से कुछ त्रुटि रह गई हो, तो उसका समाधान करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको इसकी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो यही एक अच्छा समय है कि आपको एक बार और मौका दिया है संशोधन करने का, तो आप इसमें संशोधन है वो कर सकते हैं। और मित्रों RPSC ACF का जो आपका एग्ज़ाम है वो डेट निश्चित है, 18 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो इसकी बहुत ही अच्छी तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए आपको RPSC के पुराने पेपर्स भी सॉल्व करने चाहिए। और ये पेपर्स आपको सब्जेक्ट वाइज हमारी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हैं। और बाकी राजस्थान की इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और राजस्थान और इंडियन की पॉलिटी के वीडियो लेक्चर भी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो उन्हें आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, आपको बहुत अच्छा उससे बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी के अच्छे से परीक्षण के लिए RPSC के सभी पुराने पेपर्स का भी आप एक अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे जो वेबसाइट है ओम डिजिटल स्टडी, वहाँ पर आप आएंगे, सर्च करेंगे, तो आपको RPSC और RSMSSB के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप अगर RPSC इंडियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मिनिमम शुल्क पर आपको ये पेपर है वो मिल जाएंगे। अभी 20% से 25% तक आपको डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल रहा है। तो इस वेबसाइट से आप ये जो पेपर्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान का GK, ये सभी आप पेपर्स हैं वो डाउनलोड करके अपनी तैयारी को अच्छे से और भी मजबूत बना सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी तैयारी जारी रखें, किसी के बहकावे में नहीं आए। कोई मित्र ये भी कह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, नहीं होगा, तो एग्जाम आपके निश्चित जो टाइम
टेबल दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग होगा। कोई किसी भी प्रकार का आगे पीछे होने की अभी संभावना नहीं लग रही है, ठीक है। तो एडिट करना आप चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं, और अगर किसी भी प्रकार का आपके एडिट करने की आवश्यकता नहीं है तो आप अपनी तैयारी है वो अच्छी तरीके से जारी रखें, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रिम सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं।